अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर सलवार सीने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, ये हमारे सलवार के तीन पार्ट है। ये है मेन पार्ट, ये है बेल्ट और ये है मैनी का हिस्सा। अब हम सबसे पहले सलवार का जो ऊपर का बेल्ट होता है वो सी लेंगे। ये देखिए, उसको पीछे से जॉइंट कर लेंगे। बेल्ट हमारा दो हिस्सों में कटा हुआ है, तो पीछे का जो सिलाई है वो हम कर लेंगे। ये देखिए, शुरुआत में हम थोड़ा उसे पक्का कर लेंगे और फिर उसको सिलाई मार देंगे पूरी। ये देखिए, इसको हम डबल सिलाई कर लेंगे। ये हो गई हमारी पीछे की सिलाई। अब आगे की सिलाई में हम लोग 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई करेंगे। ये देखिए किस तरह, मैं बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से 1 इंच का मार्जिन रख के हम लोग सिलाई करेंगे। शुरुआत में पक्का कर लेंगे और यहाँ पर जहाँ हमें नेफा बनाना है वहाँ पर हम 1.5 इंच का गैप रखेंगे और फिर मुंह को वापस से उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है उसको पैक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पक्का कर लेंगे और वो धागा कट कर लेंगे। देखो, वो सिलने के बाद फिर हमको इस तरह से उतना पोर्शन खुला रहेगा जहाँ से हम लोग सलवार में नाड़ी डाल सके। ये देखिए इस तरह, फिर हम उसको उल्टी बाजू से जहाँ हमने सिलाई मारे है उसको नाखून से थोड़ा प्रेस करके, ये देखिए, और उसके दोनों बाजू कपड़ा दोनों बाजू फोल्ड करके दाब सिलाई जैसे हम लोग दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे। इससे कि फिनिशिंग अच्छी आती है और कपड़े के धागे भी नहीं निकलेंगे और पूरी फिनिशिंग से हमारी सलवार का नेफा निकल कर आएगा। ये देखिए इस तरीके से, दोनों बाजू हम सिलाई कर लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम सिलाई करेंगे। ये मेरे तरीके से सलवार सिलाई का तरीका है। ये देखिए, ये देखिए, और अभी हम इसको फोल्ड करेंगे तो देखो किस तरह से हमारा नाड़ी का पोर्शन, नाड़ी डालने का पोर्शन बाहर से निकल के आ रहा है। और इसको हम लोग 1.25 इंच का नेफा रख के अच्छे से पूरी यहाँ पर पहले तो पक्का कर लेंगे हम इसको। देखो, मैं रिवर्स करूँगी। ये देखिए, इस तरह से हम लोग इसको पक्का करेंगे और अच्छे से सिलाई कर लेंगे। नेफा बहुत ही फिनिशिंग से आना चाहिए। अगर कुछ भी गलत होता है तो हमारा नेफे के अंदर चुन्नट आ जाएगी जो हमें नहीं चाहिए। चुन्नट आने से हमारी फिनिशिंग ख़राब हो जाएंगी, तो वो नहीं चाहिए। हमें पूरा फिनिशिंग से हाथ से पहले प्रेस करके और फिर हम लोग इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम पूरे नेफे पे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, यह हो गया हमारा नेफा ऊपर का बेल्ट तैयार।
ये देखिए उसके सब धागे वगैरह जो भी रहेंगे बहुत ही बारीकी से इसको काट कर निकाल लेना है, ताकि हमारा बेल्ट जो है हम जो भी सिलाई करें तो फिनिशिंग से निकल कर आए। ये देखिए ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया। ये देखिए यहाँ से हम नाड़ी डालेंगे, देखो कितनी फिनिशिंग से निकल कर आया है। ये हो गया बेल्ट। ये देखिए इस तरीके से मैं बेल्ट सिलती हूँ। अब बेल्ट को रखेंगे बाजू में और ये है मेन बेस कपड़ा जहाँ पे हम मैनी अटैच करेंगे। ये देखिए ऊपर में पक्का कर लिया और फिर अभी यहाँ से हम मैनी ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये हमारी मैनी, नीचे की बाजू सीधी है ऊपर का कपड़ा उल्टा है। और अब हम लोग वहाँ से देख लेते हैं कि मैनी को कितना कपड़ा, ये देखिए यहाँ से अटैच करना ज़रूरी है। तो फिर जहाँ ऊपर तक सिलाई लगाए उसके दोनों कपड़ा को ऊपर कर लेके दोनों के बीच में मैनी का ऊपर का कॉर्नर लगा के उसको हम सीधी सिलाई लगाएंगे। नीचे का कपड़ा सीधा और मैनी का क्रॉस कपड़ा हम इसको जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए फिर उसको डबल सिलाई लेके फिर वही से कॉर्नर से ये देखिए उसका धागा कट करके मैनी को सीधा करेंगे और फिर जो हमारा सलवार का मेन पार्ट है उसका सीधा कपड़ा लेके उस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगाना है। ये हो गई एक सिलाई, इसी को रिवर्स लेके हम इसके ऊपर डबल सिलाई कर देंगे। ये हो गई हमारी डबल सिलाई, एक तरफ की मैनी हमारी जुड़ गई। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी मैनी लगा लेंगे। ये देखिए ये दूसरे में दोनों को स्ट्रेट लगाकर ऊपर से आधे तक सिलाई लगाना है, फिर दोनों को दोनों के बीच में मैनी का कॉर्नर रखकर एक कपड़ा सलवार का मेन पार्ट का कपड़ा और एक मैनी का कपड़ा इन दोनों के किनारे पे सिलाई आएगी। ये देखिए दोनों के बीच में मैनी का कपड़ा, ये देखिए ये एक बाजू सिल गई। इसी को रिवर्स करेंगे कॉर्नर तक सिलाई ले जाके। यहाँ पे धागा कट करना बहुत ज़रूरी रहता, नहीं तो वो फोल्ड हो जाता है सिलाई में। ये देखिए इसे बाहर निकाल कर फिर ऊपर का कपड़ा हम नीचे के सीधे कपड़े पे ऊपर का उल्टा कपड़ा लेंगे और उसको सिलाई करेंगे। ये देखिए फिर इसी को रिवर्स लेंगे। ये हो गई हमारी दोनों भी मैनी अटैच। ये देखिए इस तरह से। अब हम बॉटम सिल लेंगे, सलवार के बॉटम सिल लेंगे। अब वो देखिए मैं किस तरह से सलवार का बॉटम सिलती हूँ। ये है बॉटम रोल। और अब हम लगा कर देख लेंगे, इसके हमें दो पट्टियाँ चाहिए तो एक को हम आपके दो पट्टियाँ कट कर लेंगे। ये देखिए ये दो पट्टी कट हो गई, इसको हम साइड में कर देंगे। ये देखिए एक पट्टी लेकर हम लोग बॉटम की बॉटम रोल के ऊपर में पूरा कपड़ा, जितना बॉटम रोल की हमारी चौड़ाई है उतना कपड़ा देखो कैसे फोल्ड करती हो, ताकि ऊपर से हमारा बॉटम फिनिशिंग में आए। ये देखिए इस तरह से मैं एक पूरा लेयर बॉटम रोल के ऊपर कपड़े का लेती हूँ इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरे बॉटम रोल को भी ले लेंगे पट्टी को, और दूसरे बॉटम पे भी पट्टी उसी तरह अटैच करेंगे, पट्टी के ऊपर उतना कपड़ा लेकर उसको सिलाई कर लेंगे। ये देखिए जितनी बॉटम रोल की चौड़ाई है उतना ही कपड़ा
हम उसके ऊपर लेकर फोल्ड करके उसको सिलाई करेंगे। ये देखिए दोनों को बहुत ही फिनिशिंग से एक फोल्ड वापस करके और उसके ऊपर से हम अभी इसी तरीके से इसके ऊपर पूरे बॉटम के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसकी अब ऊपर की सिलाई कर ली है, ये बॉटम हो गया। इसी तरह दूसरा वाला भी, दूसरे बॉटम पे भी इसी तरह से सिलाई करके ये बॉटम भी तैयार हो गया। ये देखिए अब इसके ऊपर इसके किनारे पे अभी हम सिलाई लगाएंगे, दोनों बॉटम की किनारी पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगेंगे, ताकि हमारा सलवार के अंदर जो बॉटम होता है वो ही दिख कर आता है अच्छे से। तो वो बॉटम की जो सिलाई रहती है वो एक एक अच्छे से आना चाहिए, पूरी फिनिशिंग से सिलाई आना चाहिए। ये दोनों किनारी पे अब सिलाई हो गई बॉटम के। अब इसके बीच में अगर हम चाहो तो सिलाई से कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानो तो मैं तो सीधी सीधी सिलाई करती हूँ, सीधी सीधी हर एक बॉटम के ऊपर 5-7 सिलाई का एकदम करीब करीब सिलाई करती हूँ, तो जो कि बहुत देखने में अच्छी लगती है पर फिनिशिंग के साथ चाहिए। ये देखिए इसी तरह से मैं सीधी सीधी सिलाई करती हूँ पूरे बॉटम के ऊपर, और बॉटम बहुत ही फिनिशिंग से निकल कर आता है। इसको सिलाई कर मारते जाना है, सिलाई करते जाना है और उसका धागा कट करते जाना है। इसी तरह से इस बॉटम के ऊपर 5 सिलाई, उस बॉटम के ऊपर 5 सिलाई, 6 सिलाई, जितनी भी सिलाई उसके ऊपर करीब करीब अच्छी लगे, एक ही डिस्टेंस से सिलाई आना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो इधर गए दो उधर, ऐसा नहीं, एक ही डिस्टेंस के साथ सब सिलाई आना चाहिए। ये देखिए इतनी फिनिशिंग से सिलाई आई। अब हम बॉटम को पक्का कर लेंगे। ये देखिए मैनी के ऊपर बराबर मैनी आ रही है। अगर हम फिनिशिंग से सीते हैं तो हमारी सिलाई भी इधर उधर नहीं होंगी, बाकायदा सब अच्छे से पूरा जॉइंट होगा, सिलाई इधर उधर बिल्कुल नहीं सरकेगी। ये देखो हमारा जितना बॉटम है, हमें 17 का बॉटम चाहिए, तो ये देखो 8.5 के ऊपर मार्किंग करके हम उसको सिलाई लगा देंगे। ये देखिए स्टार्टिंग में तो पक्का कर लेंगे और फिर उसको पूरी सिलाई पूरा पक्का कर लेंगे। ये देखिए मैनी की सिलाई जहाँ पर आती है वहाँ पर भी रिवर्स मशीन करके अच्छे से पक्का करना है, और इसी तरह से दूसरे बॉटम तक, एक बॉटम से दूसरे बॉटम तक, फिर दूसरे बॉटम से हम रिवर्स जाएंगे, तो जहाँ से हमने बॉटम की सिलाई स्टार्ट करे थे वहाँ पर जाके हम रुकेंगे। ये देखिए फिर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए पक्का करना है उसको, और इस तरीके से हम उसको डबल सिलाई कर लेंगे। ये हो गया हमारा सिलाई, सलवार का जो मेन बेस पार्ट होता है ये भी हमारा इस तरीके से सिलना कंप्लीट। मैनी की सिलाई जहाँ पर आ रही है वहाँ पर बहुत ही अच्छे से पक्का करना है। ये देखिए सिलाई हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ करनी है। ये देखिए ये हो गया हमारा सलवार का जो मेन बेस पार्ट होता है, ये सिलाई करना हो गया। ये देखिए इस तरह से अगर आप सलवार सिलाई करेंगे तो यहाँ से हम मेन बेस पार्ट को माप लगाकर देख लेंगे कि ये कितना है, और ऊपर का बेल्ट उसकी भी लेंथ हम देख लेंगे कि इसका माप कितना है, और हम दोनों का प्लस करके जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई है उससे 1 इंच बढ़ेगा, जो कि हमारा बेल्ट और मेन सलवार का पार्ट जहाँ पे चून आती है वो जॉइंट होके वो 1 इंच भी माइनस हो जाएगा। तो जितना हमारा सलवार का माप है, जितनी हमारी सलवार की लेंथ है,
उतनी ही हमारी सलवार सिलकर तैयार होकर हमें मिलेंगी, ना ही सलवार बढ़ेगी और ना ही सलवार घटेगी। ये देखिए इसके चार फोल्ड कर लिए और इसको एक मार्किंग कर लिए कि हमको चुन्नट आगे में चुन कहाँ से लेनी है। ये है सलवार का पीछे का, सबसे पहले जो सिए थे वो जॉइंट पीछे का, वो पीछे में सीधा रखें और जो हमारा सलवार का ऊपर का पार्ट है उसको उल्टा रखें। तो देखो ये सेंटर जो मैंने लगाए है वो सेंटर और पीछे वाला सेंटर। नीचे का कपड़ा हमेशा सीधा चाहिए, ऊपर का कपड़ा हमेशा उल्टा चाहिए। ये देखिए बराबर सिलाई पर ही सिलाई आनी चाहिए, जो मेन सेंटर है वो एक दूसरे पे आना चाहिए। तो सेंटर के दोनों बाजू, मेरा तरीका है कि मैं सेंटर के दोनों बाजू एक एक चून डालती हूँ, एक एक कपड़े में चून लगाती हूँ। जैसे कि प्लेट, एक प्लेट सेंटर के इस साइड में, एक प्लेट सेंटर के इस साइड में। ये देखिए ये हमारा हो गया सेंटर। सेंटर पे सेंटर आना बहुत ज़रूरी है ताकि फिनिशिंग अच्छी लगे, सलवार हमारी देखने में भी अच्छी लगे। ये देखिए अब नीचे का कपड़ा हम सीधा कर लेंगे, जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ तक हम पूरा एक दूसरे को अटैच करते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखो इस तरह से हमारी पूरी सीधी सिलाई, जहाँ तक हमने मार्किंग किए हैं वहाँ तक हम पूरी सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये मार्किंग हमने जहाँ से किए हैं, देखिए मशीन की दातरी के साइड में मैं स्टार्टिंग की चुन मशीन की दातरी के साइड में डाल रही हूँ। ये देखिए हमारी चून का जो मुंह है वो भी दोनों तरफ का बराबर एक ही साइड में आना चाहिए, मैनी के इस साइड में और मैनी के इस साइड में, मैनी हमारी सेंटर में आना चाहिए, वो भी बहुत मेन, नहीं तो एक हमारा जो बॉटम है वो घूम जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं देखो अभी आपको आगे मैं भी बताऊंगी। ये देखो ये हमारा नीचे का नेफे का बेल्ट का सेंटर और ये हमारा मैनी का सेंटर, ये भी बराबर एक दूसरे के ऊपर ही सिलाई पर सिलाई आनी चाहिए। ये देखो हमारा जितना कपड़ा बीच में है वो हम चुन लेकर अच्छे से पैक कर लेंगे और सेंटर के बाजू में दोनों साइड में एक जैसा ही गैप चाहिए, अगर एक इंच गैप है तो इधर से भी एक इंच ही गैप चाहिए। अब देखिए अब ये हो गया हमारे सलवार का एक साइड के नेफे के चून पूरी तैयार। अब ये दूसरी बाजू की, ये देखिए मैनी के उस साइड उसका मुंह है, अब इसके इस साइड चून हम डालेंगे तो इस साइड आएगा उसका मुँह। ये देखिए इस तरह, इस तरीके से। जहाँ तक हमने नेफे के कपड़े में मार्किंग लगाई है वहाँ तक हमारी बराबर कपड़े में हम चून डालेंगे और वहाँ से सीधी सिलाई होकर हमारा कपड़ा एक दूसरे में अटैच हो जाएगा। ये देखिए यहाँ तक सीधी सिलाई आएगी मार्किंग तक, ये देखिए मार्किंग तक, ये देखिए। और ये जो जितना कपड़ा है उसमें हम बराबर चून मार देंगे। ये देखिए इस तरह से हम प्लेट डालकर बहुत, और हमारी जो प्लेट है वो भी उसके अंदर डिस्टेंस भी एक जैसा ही चाहिए और प्लेट भी हमारी एक जैसे ही चाहिए,
ना ही एक छोटी और ना ही बड़ी। एक जैसी चुन जो हम प्लेट डालेंगे वो एक जैसी प्लेट भी चाहिए और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी एक जैसे ही चाहिए। ये देखो हमारी चुन हो गई। अब यहाँ से हम कपड़ा सीधा पीछे की सेंटर तक अटैच कर लेंगे। ये हो गई हमारी कंप्लीट सिलाई। ये देखिए अब इसको हम सीधी बाजू देख निकाल कर, हाँ सीधा करेंगे, नीचे सीधी बाजू रहेगी और उल्टी बाजू जहाँ से हमने चून स्टार्ट किए वहाँ से हम इसको दाब सिलाई लगाएंगे। ये देखो यहाँ से हमारी चून स्टार्ट हुई थी, वहाँ से मैं चून स्टार्ट यहाँ से सिलाई स्टार्ट करती हूँ और यहाँ से दाब सिलाई मैं थोड़ा सा दूर से लगाती हूँ ताकि अगर हम कपड़े में इंटरलॉक ना भी कर रहे हो तो हमारे कपड़े के धागे ना निकले। इस तरह से मैं दाब सिलाई लगाती हूँ। ये देखिए ये भी सिलाई बहुत फिनिशिंग से लगेगी क्यों तो ये सिलाई ऊपर से दिखेगी। एक जैसा डिस्टेंस लेकर हम इसकी सिलाई पूरी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम निकाल कर धागा कट कर लेंगे। ये हो गई हमारी पूरी सलवार की स्टिचिंग। इस तरह से मेरी तरह से अगर आप सलवार सियेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से अच्छे से सिलाई आपको करनी आएगी। ये देखिए अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद ये देखिए हमारी सलवार इस तरह से निकल, ये देखिए हमारा नेफा भी कितना फिनिशिंग में आया है। ये देखिए ये मैनी का पार्ट और मैनी के बराबर सेंटर में देखिए, ये देखिए ये मैनी का पार्ट मैनी के बराबर इस साइड से भी चुन का मुंह, ये देखिए इधर ही आ रहा है, दोनों मुंह मैनी के साइड में बराबर से आ रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए ये हमारे सलवार के बॉटम, ये देखिए इसको दबा लेंगे। ये इस तरह से अगर आप सलवार सियेंगे तो ना ही आपका एक बॉटम, बहुत से लोगों की सलवार में होता है कि एक बॉटम घूम जाता है तो ना ही घूमेगा ना ही कुछ होगा, बहुत ही अच्छे से आपको सलवार आएगी। ये देखिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।